हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो, वरना तो आपके किसी मतलब का है ही नहीं है। उससे पहले बात करते हैं बैड लक के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो इस अर्थ पे एक बैड लक नाम की भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। लोग कहते हैं ना कि मेहनत तो अपनी जगह पे, बट बैड लक नाम की भी चीज़ होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है। आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, बट अगर आपका किस्मत ही साथ ना देना तो वो आपके साथ मतलब कुछ नहीं होने वाला है। लाइक मैंने आज से कुछ साल पहले एक चैनल बनाया था, 6 साल पहले मतलब बनाया था, और उस चैनल पे मैं कंटिन्यूसली काम किया करीब 1-1.5 साल तक। और 1-1.5 साल तक काम करने के बाद भी मुझे उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। और छोड़ने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था, रिजल्ट ना मिलना, और रिजल्ट के साथ साथ मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं था। मैं जॉब करने लगा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। और उस चैनल का मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। और चैनल फिलहाल अभी 1 महीने पहले YouTube ने उसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने का कोई रीज़न ऐसा वैलिड रीज़न नहीं था, उस पर मैंने कंटेंट ही नहीं डाल रहा था, पुराने कंटेंट थे और 1-2 उस पर शॉर्ट्स वीडियो डली हुई थी, और उसी कारण मतलब पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं, उस चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर प्रूफ लगा दूंगा, प्रूफ देख लीजिएगा। और उस चैनल को डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं उस पर काम नहीं कर रहा था, मुझे परवाह नहीं है कि वो चैनल डिलीट हो गया। बट आज से मतलब जब मैंने 6 साल पहले मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब वाला, तो उसके साथ जब मैंने 1 साल बाद जब मैंने गिव अप कर दिया यूट्यूब को, तो उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग मतलब जैसे कि जो वेबसाइट होती है जहाँ पे हम कंटेंट लिख के डालते हैं, जैसे कि ब्लॉगर होता है, वर्डप्रेस होता है, ये सब जैसे कि वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे अपना एक ब्लॉगर मतलब पहले ब्लॉगर पे बनाया था, ब्लॉगर के बाद मैं अपने वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गया। तो वर्डप्रेस पे मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था gyansfinder.com। वो डोमेन अभी भी एग्जिस्ट करता है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो डोमेन आपको अभी भी लाइव दिखेगा, वेबसाइट अभी भी लाइव है, आप जाके देख सकते हैं gyansfinder.com। तो उस वेबसाइट पे भी मैंने करीब कंटिन्यूअसली काम किया 2-3 साल तक, और 2-3 साल मतलब काम करके उस वेबसाइट को मैं थोड़ा अच्छा सा मतलब स्टेबल बना दिया था, जहाँ से मुझे मंथली कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा था। और लोग उस पर मंथली उस पर विजिटर करीब 60-70 हज़ार और 1 लाख के समथिंग उस पर पहुँच गए थे। तो मतलब उस पर भी क्या हुआ कि उस पर जो हम जहाँ से अर्निंग करते हैं, एक होता प्लेटफॉर्म, उसको कहते हैं गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस भी मतलब उसका ना डिसेबल्ड हो गया। और डिसेबल्ड किस लिए हुआ, मतलब कोई ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं, मतलब उन्होंने यही डाल दिया कि पॉलिसी वॉयलेशन का उनके पास मेल आ गया, और पॉलिसी वॉयलेशन के कारण जो मेरा ईमेल एडसेंस था वो डिसेबल हो गया, और उस वजह से जो मेरी इनकम हो रही थी वहाँ से वो भी बंद हो गई। ठीक है, तो वो तो बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा नहीं। खैर मतलब मेरी हॉबी में है तो मैं उसको कैसे गिव अप कर सकता हूँ। तो मैं अभी भी काम करता हूँ, अभी भी ट्राई करता हूँ कि अप्रूवल मिल जाए, बट अभी अप्रूवल नहीं मिल रहा। मैंने करीब 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, दो साल से मैंने थोड़ा सा उस पर अपना टाइम दिया है, टाइम देने के साथ उसको मैंने ट्राई किया, बट अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो अपने जगह पे है। और उसके साथ ही साथ मैंने अभी कुछ साल पहले 2 साल पहले एक नवा चैनल बनाया था ज्ञान संजीव शाह के नाम से, और उसी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं आप। तो इस ब्लॉग इस चैनल पे मैंने क्या किया था, मतलब मैंने वीडियो वगैरह बनाकर अपलोड करना शुरू किया था करीब 6 महीने से, अभी बीच में मैंने इसको बंद कर दिया था वीडियो अपलोड करना। तो 6-7 महीने से मैंने थोड़ा सा इस पर थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था, कंटिन्यूसली काम कर रहा था। और उसके साथ ही साथ जब मैं काम करने लगा तो उस चैनल पर अभी फिलहाल 1 महीने से और करीब 20-25 दिन से इस चैनल पर रीच आना मतलब इंप्रेशन आना बंद हो गया। इंप्रेशन मतलब मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इंप्रेशन ही नहीं आ रहा चैनल पर, मैं आपको बाद में प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो इंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा था इस चैनल पर, और इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहा था उसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे थे। तो उसके साथ ही साथ अभी इस चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। मैं मतलब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का वो दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्राइक आता है और किस वजह से आता है और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके साथ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जब किस्मत आपका साथ नहीं देती तो आपके साथ ऐसे ही होता है, मतलब आप कुछ भी कर लें, मतलब जितना भी कोशिश कर लें आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो वही चीज़ें हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मेहनत से ही सब कुछ होता है, तो मेहनत तो ठीक है, बट अगर आपकी किस्मत ही साथ ना दे तो आप जितना मर्जी मेहनत कर ले आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। मतलब लोग कहते हैं कि मेहनत से आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब और तो ठीक है मैं मानता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो रोल किस्मत का भी होता है ना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो अगर आप मेहनत भी कम करेंगे तब पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आपकी किस्मत ही अच्छी नहीं रहेगी और आप बहुत मेहनत भी कर देंगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वही हाल है मेरा मेरे इस चैनल के साथ भी, मतलब वही हो रहा है। पहले इंप्रेशन नहीं आ रहे थे, अब इंप्रेशन नहीं आ रहे थे, उसके साथ ही साथ इस चैनल पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी। 1-2 वीडियो चल रही थी उसको अभी रीच डाउन हो गया, वीडियो मतलब डिलीट हो गई। तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये सब प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो आप तो देख सकते हैं कि मतलब क्या ही कर सकते हैं, फिर भी देखूंगा मैं, ट्राई करूंगा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, बट फ्यूचर में अगर ऐसा ही रहा तो कोई बंदा कितना कोशिश करेगा। तो खैर देखते हैं, ट्राई करते हैं,
और अभी आप वो वीडियो देखिए, मतलब कैसे मेरे इस चैनल पर स्ट्राइक आया था और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वीडियो को देख लीजिए आप। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ पर मतलब मेरे चैनल पे एक प्रॉब्लम चली थी जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाली वीडियो बिग YouTube ग्लिच वाला। ये वीडियो मतलब आप लोगों तो ने खैर देखी नहीं होगी, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे एक चैनल पे प्रॉब्लम चली थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे चैनल पे ये प्रॉब्लम चल रही है कि जहाँ पे इंप्रेशन नहीं जा रहे हैं और वीडियो की रीच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, जो गोटू एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं और रीच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 33 इंप्रेशन आए, केवल ओनली 33 इंप्रेशन आए। और किस माध्यम से आए, किस मेथड से आए, तो आप देख सकते हैं चैनल पेजेस से 42% आए, नोटिफिकेशन से 28% आ रखे हैं और बाकी यूट्यूब के अदर फीचर से 14% आ रखे हैं। तो मतलब इसमें देखेंगे ब्राउजर फीचर से कोई 1% का भी नहीं है, सर्च से भी 1% का नहीं है और वीडियो तो खैर इंडेक्स नहीं हो रही सर्च में। और ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ चल ही रही थी, तो इसके साथ आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे टूडे के नोटिफिकेशन में एक मेल रखा, कम्युनिटी गाइडलाइंस रिमूवल। तो एक वीडियो थी मेरी नावी एप्लीकेशन के ऊपर, मैंने बना रखा था कैसे अगर आपका नावी एप्लीकेशन का जो रिवॉर्ड है ब्लॉक हो जाता है तो कैसे आप उसको अनब्लॉक करा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को यूट्यूब ने क्या किया, टेक डाउन कर दिया। मतलब उन्होंने डाल दिया कि आपकी ये वीडियो से हरेसमेंट हो रहा है, आप किसी को हरेसमेंट कर रहे हैं और उसमें हरेसमेंट का डाल दिया था और उस वजह से मेरा ये वीडियो था उन्होंने टेक डाउन कर दिया, मतलब यूट्यूब से परमानेंटली डिलीट कर दिया। और ये तो हुआ ही हुआ, मैंने अपील डाला, मतलब जैसे ही मुझे मेल आया तो मैंने ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी में अपील डाल दिया, मैंने कुछ लिखा उखा नहीं, बस केवल अपील डाल दिया। अपील डालते ही मतलब उसके 5 मिनट बाद मुझे मेल आ गया कि मतलब आपका अपील देखा गया और अपील आपका रिजेक्ट कर दिया गया। बट 5 मिनट भी नहीं होता, 2 मिनट में मेरा अपील का रिप्लाई आ गया और 2 मिनट में उन्होंने मेरा वीडियो भी नहीं चेक किया होगा, उन्होंने ऐसे ही मतलब अपील का वो क्या कहते हैं रिप्लाई दे दिया कि अपील रिजेक्टेड। तो ये मतलब प्रॉब्लम है। और मैं आपको दिखा दूं मतलब मैंने क्या वीडियो में, मतलब मैंने जो वीडियो बनाया था नावी रिवॉर्ड एप्लीकेशन का जो रिवॉर्ड ब्लॉक है कैसे आप उसको अनब्लॉक करें, तो उसमें मैंने केवल कुछ नहीं किया था, उसमें मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन है नावी, उसका मतलब उसमें पहले रेफरल ऑफर चला था, मतलब रेफरल प्रोग्राम था जिसमें अगर आप किसी को रेफर करते थे तो उस रेफर के थ्रू अगर आपके कोई ज्वाइन करता था और कुछ मतलब उसमें 1-2 रुपये इन्वेस्ट कर देता था गोल्ड में या म्यूचुअल फंड में, तो आपको मतलब 100, 200 या 300 रुपये तक का कैशबैक मिल जा रहा था। तो वो प्रोग्राम था उसमें मतलब रिवॉर्ड लोगों के ब्लॉक हो जा रहे थे, तो उस रिवॉर्ड को अनब्लॉक करने का मैंने तरीका बताया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, नावी एप्लीकेशन में मतलब एक हर एप्लीकेशन के या हर वेबसाइट का एक सपोर्ट ईमेल होता है, तो मैंने उसी सपोर्ट ईमेल पे एक मेल करने का मेथड बताया था कैसे आप इस सपोर्ट ईमेल पे सपोर्ट का जो सपोर्ट ईमेल है मतलब हेल्प वाला उस पे कैसे आप ईमेल कर सकते हैं और ईमेल करके जो आपका रिवॉर्ड है ब्लॉक हुआ उसको आप अनब्लॉक करा सकते हैं। तो मैंने वही बताया था और आपको मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ, जैसे कि आप देख सकते हैं नावी टीम का मैंने ये बनाया था और यहाँ पर आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ एक बार। तो ये देखिए ये मेल है, ठीक है, मैंने लिखा था हाय नावी टीम, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड अंडर योर रेफरल प्रोग्राम, इस तरह से कोई मेल था। और मैंने ये पैराग्राफ ही मतलब वीडियो में बनाया था कि ये पैराग्राफ आप भेज सकते हैं। और इसी वजह से मतलब क्या नहीं, क्या हरेसमेंट था क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बट उसी वजह से उन्होंने डाल दिया यूट्यूब वालों ने कि हरेसमेंट का वीडियो था, आपके वीडियो में वीडियो से हरेसमेंट हो रहा था और उस वजह से मेरा उन्होंने वीडियो टेक डाउन कर दिया। तो देख सकते हैं मतलब प्रॉब्लम जब आती है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके साथ मतलब बहुत बुरा होता है। तो यही मतलब चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग आ गई, मतलब स्ट्राइक नहीं है वार्निंग है, और रीच तो ऐसे भी नहीं आ रहा है तो चैनल ऑलमोस्ट डेड के कगार पे ही है। तो देख सकते हैं आप, तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो देखने के बाद अब बात करते हैं कैसे आप अपील डाल सकते हैं। तो अपील डालने के लिए कुछ नहीं करना, जब आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर लगती है, मे भी ना लगे, मतलब ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है, अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाती है किसी भी वीडियो पे या किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे आपको अपील का बटन मिलता है, अपील वाले बटन पर क्लिक करेंगे, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, अपील पर बटन पर क्लिक करेंगे, अपील पर बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे मतलब पूछा जाएगा कि आप रिव्यू कराना चाहते हैं, अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके नीचे आप अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख के सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो है 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे केस में तो मतलब तुरंत मिल गया था, बट आपके केस में थोड़ा अच्छे से रिव्यू होगा तो आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। सो इस तरह से मतलब आप रिव्यू करा सकते हैं और अपने चैनल को बचा के रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तो वो आपका एक एसेट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।